मध्य प्रदेश में खनिज माफिया तथा पत्थर ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उन्हें प्रशासन तथा नियम कायदे कानूनों का डर बिल्कुल भी नहीं रहा। इसकी वानगी सागर में देखने को मिली, जहां पत्थर रखने के लिए शमशान पर ही कब्जा कर लिया गया। सागर के सागर तहसील के सेमरा रामचंद गांव में खनिज माफिया और पत्थर ठेकेदारों ने अपने पत्थर का स्टॉक करने के लिए न सिर्फ शमशान के रास्ते को बंद कर दिया, बल्कि शमशान घाट पर भी अतिक्रमण करते हुए पत्थरों का स्टॉक रख दिया है। शमशान का रास्ता बंद होने तथा शमशान घाट पर कब्जा होने के चलते ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खनन माफियाओं का आतंक इतना है कि उनके भय के कारण गांव में कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। ठेकेदार ने शमशान की जमीन के साथ साथ आसपास के किसानों की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है तथा इन किसानों द्वारा कई बार अपनी जमीन का नाप कराने का आवेदन देने तथा पैसा जमा कराने के बाद भी न तो जमीन की नाप हो पा रही है और न ही ठेकेदार पर कोई एक्शन प्रशासन ले रहा है। कब से ये लोग कब्जा किए हैं? 10-11 साल से। और शमशान घाट के लिए आने जाने के लिए रास्ता है क्या? अभी अभी नहीं है, वहाँ से नहीं है, यहाँ से। क्या हो गया वहाँ पर? पड़ लगेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ वहाँ पर तब हमारे भी चावल खाते हैं। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? 3 भाई। अच्छा, हाँ वहाँ पत्थर ठेकेदार वाले पत्थर पटके। अच्छा, हाँ हमने खजाने में पैसे भरे, आ रही से आदेश करवा पटवारी से, कहा पटवारी बार बार हाव कह देते हैं, हम मौका पर आते नहीं है। इस मामले में प्रशासन की मिली भगत साफ नजर आती है, क्योंकि यह अतिक्रमण तथा कब्जा गांव के अंदर नहीं बल्कि मुख्य मार्ग के आसपास किया गया है, जहां से अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। फिर भी इस ओर किसी का ध्यान न जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस मामले में खनिज विभाग के अधिकारी का कहना है कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इसमें जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि मामला खनिज विभाग के सामने आने के बाद कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है तथा मुक्ति धाम को कब इस अतिक्रमण से मुक्ति मिल पाती है। इसकी जानकारी आपने हमको दी है, अभी हम अभिलेखों में देख लेंगे इस चीज को, और साथ में जाके जो स्थल है जहाँ का आप बता रहे हैं वहाँ जाके जांच भी कर लेंगे। यदि किसी तरह का अवैध किया होगा और किसी अतिक्रमण ये सब चीजें की होंगी तो उनको कार्रवाई की जाएगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।